नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा एक की गणित। गणित में चैप्टर नंबर दो, चैप्टर नंबर दो में पढ़ेंगे अधिक या कम। ठीक है, आइए देखिए। अधिक पर सही के निशान लगाइए और कम पर गलत के निशान। ठीक है, सही के निशान लगाइए, कम पे कुछ मत करिए। ठीक है, अब देखिए आप ये कितने हैं आंकड़े देखो। पहले बच्चे कितने हैं, पाँच। इस खाने में सही के निशान लगे हुए हैं ना, सैंपल बताया है इसमें। और देखो ये चेयर, एक दो तीन चार, चार कुर्सियाँ हैं ना, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। और ये फ्लावर देखो, ये इस पर ये ज़्यादा है ना, तो इसमें सही के निशान लगे हैं। और ये देखो तितली है ना, बटरफ्लाई, देखो एक दो तीन, तीन, इस पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए ये ताला कम है, एक दो तीन, तीन ताले, एक दो तीन, चार चाबियां हैं, तो चाबी पे, हाँ तो चाबी पे भी सही के निशान लगाना है आपको, और ताले पे कुछ नहीं करना है। ये अधिक जितने, एक से अधिक जितना, मतलब अधिक वाले पे ही सही के निशान आपको लगाने हैं। ये अधिक है। पतंग कितने हैं, चार है, और फिरकी कितनी है, दो है। ठीक है बच्चों, ये आपको हो गया अधिक और कम में सही या गलत का निशान लगाना। ठीक है, अब आप देखिए ये क्या है, गिनिए और मिलाइए। ये आंकड़े आपको गिनना है और मिलाना है। ये दो है, दो बरनी है, तो इसको दो है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ से आपको मिलाना है। ठीक है, हाँ। फिर देखिए दूसरा क्या करना है आपको, ये चार है ना, एक दो तीन चार, चार भुट्टे हैं ना, मकई की बाले, अब इसको चार चार से मैचिंग करना है आपको, यहाँ पे मैचिंग करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे चार चार से मैचिंग करना है। ठीक है, हाँ। तो फिर आप देखिए ऐसे ही सब सब जितना है इसमें, देखिए इसको ये कितने हथौड़ी हैं, देखिए एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, छः, छः हथौड़ी है ना, तो इसमें छः गोले वाले होंगे यहाँ है, तो ये देखो इससे इसका मैचिंग करना है आपको। ठीक है, और ये देखिए कितने टमाटर हैं, सात, कितने टमाटर हैं, सेब, ठीक है, सॉरी सेब, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, कितने सेब हैं, सात, तो सात कहाँ पे होगा, यहाँ है, ये देखो यहाँ सात सात से मैचिंग करना है। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया मैचिंग करने वाला। और ये देखिए क्या, गिनिए और मिलाइए, ये भी आपको गिनना और मिलाना है, इसको भी गिनिए, हाँ। ये देखिए इसको कितने, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ है ना, तो आठ आठ से कैसे मैचिंग करोगे आप, आठ आठ से कैसे मैचिंग करना है, आठ कहाँ पे है, यहाँ है, तो देखिए आठ यहाँ है, और ये आठ से और ये आठ का मैचिंग यहाँ आके करना है। कितने गोले गिनिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ गोले है ना, और इधर देखिए ये भी आठ है, तो आठ आठ से ही मैचिंग करना है आपको। ये आम कितने हैं, चार है, तो चार गोले कहाँ पे हैं आपका, देखिए इधर, ये देखिए चार गोले, एक दो तीन चार, तो चार गोले में आपको उसको मैचिंग करना है। अब ये देखिए पेंसिल आगे कितनी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये भी आठ है, अब वापस देखिए आठ गोले कहाँ पे होंगे, अब ऊपर ही होगा आठ आपका, देखिए आठ है, ये कितने हैं, आठ हैं, और ये भी कितने हैं, ये तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये नौ है ना, तो आपको ये नौ नौ से मैचिंग करना है। नौ कहाँ पे है, ये रहा, ये रहा आपका नौ से नौ मैचिंग करना, और ये रहा पेंसिल आठ से आठ मैचिंग करना, और ये रहा देखिए चार आम है, तो चार चार से मैचिंग करना है, और ये टमाटर है, तो एक है ना, ये एक, एक देखो एक फ्लावर है, तो एक फ्लावर से
एक गोले में मैचिंग करना है, ठीक है। ये पांच है, पांच गोले हैं, तो यहाँ पे देखिए पांच टमाटर है, तो यहाँ आपको मैचिंग करना है, ठीक है बच्चों। हाँ, और फिर देखिए ये देखिए एक, कितने बालक बच्चा खड़ा है यहाँ पे, देखिए एक, कितना बालक है एक, तो यहाँ शब्दों में भी एक लिखा है और यहाँ अंकों में भी एक लिखा है, ठीक है। एक 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 आपको करना है, ये बच्चा कितना है एक, हाँ मटका एक, कुत्ता एक, लालटेन एक, खाटला एक, दादी एक, ठीक है, सब एक एक हैं। तो आपको इस खाने में एक 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 का लिट्टी खींच के आपको भरना है, ठीक है बच्चों। और दूसरा देखिए, ये दो के आए आपके, ये दो के आंकड़े आए, दो लिखा है ना, ये शब्दों में क्या लिखा है, दो, ठीक है। अब इसमें सब दो दो ही चीज़ें होंगी, जैसे देखिए आप, ये घर है, घर दो एक दो, ठीक है, ये पेड़ है एक और दो, ठीक है, हाँ, ये आदमी कितने हैं एक और दो, ये गायें कितने हैं एक दो, ठीक है। आपको इसमें दो के आंकड़े लिखने हैं और दो की गिनती समझनी है, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए दो लिखा है, वहाँ शब्दों में दो लिखा है और यहाँ अंकों में दो लिखा है, यहाँ अंकों और शब्दों के पहचान करना है आपको, ठीक है। ये भी आपका दो है, कितने आंकड़े यहाँ पे हैं, दो दो दो, देखिए गाय कितनी है, दो, एक दो, ठीक है। अब ये घर कितने हैं, एक दो, और ये पेड़ एक दो, सब दो हैं, ठीक है। अब ये देखो डस्टबिन है एक दो, ये कितना है एक दो, आदमी एक दो, दो आदमी, ठीक है। और ये खाने में नीचे में आपको दो के आंकड़े हैं ना, एक इसको घोटना है, बाकी दो 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 सारे खाने में आपको भरना है, जैसे कि ये बच्चे ने भर के दिखाया आपको, ठीक है। अब ये रहे तीन, तीन के आंकड़े सीखने के तरीके आपको, देखिए यहाँ पे शब्दों में तीन लिखा है, यहाँ अंकों में तीन लिखा है, यहाँ शब्दों में तीन लिखा है, तो ये तीन 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 सब चीज़ें तीन ही होगा यहाँ पे। ये बंदर कितने हैं, एक दो तीन, ठीक है, हाँ। देखिए अब आपको आम कितने हैं, इधर ध्यान से देखो, एक दो तीन, कितने आम हैं, तीन, हाँ। और इधर देखिए आप, सबसे पहले आप ये देखिए, इधर एक दो तीन, कितने बंदर हैं, तीन, आम कितने हैं, तीन, एक दो तीन, तो यहाँ भी तीन, यहाँ भी तीन, यहाँ भी तीन आपको घोटना है। और देखिए ये भी आपका तीन, एक दो तीन, और ये भी तीन 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 के खाने सब भरने हैं। ये इधर आइए, आपका चार के आंकड़े आते हैं आपको, ठीक है। चार में आपको देखिए लिखा है, हाँ, ये कितने हैं, एक दो तीन चार, चार बच्चे हैं यहाँ पे, हाँ। ये देखो ये क्या है, कुत्ता, ये क्या है फिरकी, ये क्या है पतंग, ठीक है। फिरकियाँ कितनी है, चार, एक दो तीन चार, ठीक है। बच्चे कितने हैं, एक दो तीन चार, पतंग भी उड़ रहे हैं ना, पतंग तो देखिए यहाँ एक दो पतंग उड़ रही है, और एक पतंग ये बालक के हाथ में है, और ये लड़की के हाथ में भी दूसरी पतंग है, ठीक है। चार ही, एक पतंग इधर रखा हुआ है, आप पतंग का ध्यान रखिए, एक दो तीन चार, चार पतंग हुए यहाँ पे, और बालक एक दो तीन चार, ठीक है बच्चों। और फिरकी भी चार है, एक दो तीन चार, इसमें देखिए आके सब क्लियर आपको बताया हुआ है, एक दो तीन चार, ठीक है, हाँ। और इधर देखिए, एक दो तीन चार पतंग, चार फिरकी, और ये चार बालक, एक दो तीन चार, ठीक है। और इस खाने में आपको चार 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 चार
आपको भरना है, जैसे कि ये बच्चे ने भरा है अपने किताब में, ठीक है। हाँ अब इधर आइए, पाँच के आंकड़े देखते हैं अपने। ये पाँच लिखा है और यहाँ पाँच, पाँच अंग्रेजी के आंकड़े यहाँ पे लिखे हुए हैं अंकों में और यहाँ शब्दों में लिखा है पाँच। यहाँ अंकों और शब्दों के आंकड़े सीखने का सरल तरीका ये है, ठीक है। अब ये कितने कितने बैलून है, देखो एक दो तीन चार पाँच, कितने फुग्गे हैं, पाँच, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, कितने बच्चे हैं, पाँच। हाँ ये देखिए क्या बेच रहे हैं, बैलून। ये क्या है, झाड़ है मतलब पेड़ है, ठीक है। ये घर है, एक घर कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। आपको ये पाँच के आंकड़ा सीखना है, जैसे आप देख लीजिए एक दो तीन चार पाँच फुग्गे और एक दो तीन चार पाँच फ्लावर, और यहाँ पाँच आंकड़े भी लिखे हुए हैं। और इधर देखिए चिड़िए कितने हैं आपके, एक दो तीन चार पाँच, पाँच चिड़िया, और यहाँ भी पाँच ही लिखना है, यहाँ पे भी पाँच ही लिखना है, ठीक है। और इस खाने में पूरा पाँच 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 आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। हाँ गिनिए और मिलाइए, अभी भी आपका जोड़ मिलाने का ही है, ठीक है। अब आप ये मिलाइए, जैसे ये तरबूज कितने हैं, दो, एक दो, तो ये दो जहाँ लिखा होगा वहाँ पे ही मैचिंग आपको करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की मैचिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और देखिए ये बोतल कितने हैं, एक एक दो तीन चार पाँच, पाँच बोतल है ना, तो पाँच कहाँ पे लिखा होगा, पाँच कहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पाँच लिखा है और ये बोतल भी पाँच है, तो आप यहाँ से पाँच मैचिंग करना है। और ये देखिए गैस का बाटला, ये बाटले कितने हैं, हाँ वे सिलेंडर कितने हैं, तीन चार, एक दो तीन चार, चार है ना, तो आप चार के आंकड़े कहाँ पे हैं, यहाँ है, तो ये चार से लाइए और आप यहाँ चार से मिला दीजिए, ठीक है, ओके बच्चों। और ये रहा हाथी, कितनी है, एक, तो आप इस हाथी को एक से एक का मैचिंग करना है आपको, ठीक है बच्चों। अब इधर देखिए आपको समूह बनाइए, जैसे आपको इसमें दिया है आंकड़ा चार लिखा है, चार बोल, हाँ चार बोतल है ना, तो चार बोतल की समूह बनाइए। खाने में छः बोतल दिया है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो इसको आपको सिंपल इसमें दिखाया है समूह बनाने का, मतलब चार का समूह बनाइए, तो दो छोड़ के ये चार को गोल राउंड करके चौरस करके इसका समूह बनाना है आपको। यहाँ तीन का समूह बनाना है, तो ये देखिए पेड़ पे तीन है, तीन कितने, एक दो तीन, तीन झाड़ पे ऐसे आपको समूह बनाना है, ठीक है। ये दो है तो दो पे ही, दो डिब्बे है ना, तो ये दो डिब्बे पे ही गोल समूह बनाना है, ठीक है बच्चों। हाँ पाँच है ना, लालटेन कितने लालटेन है, पाँच, पाँच कितने लालटेन है, सात लालटेन है, लेकिन पाँच के समूह बनाने हैं आपको, एक दो तीन चार पाँच, तो ऐसे ऐसे लिटियाँ आपको देखो खींचा है बच्चे ने, बनाया है, पाँच का समूह बन गया, ठीक है। अब इसमें देखिए आप कितना है, किन्नी पांच गुब्बारे में रंग भरिए, ये बच्चे ने सब में भर दिया है, सब में इसमें रंग नहीं भरना है आपको, एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच फुग्गे में आपको रंग भरना है, ये दो आपको छोड़ देना है, ठीक है बच्चों। और इधर देखिए किन्नी चार फूलों में रंग भरिए, ये फूल सादे हैं तो चार में आप रंग भर दीजिए, एक दो तीन चार, चार में रंग भर दीजिए और एक आपको छोड़ना है, ठीक है। और यहाँ भी लिखा है किन्नी दो पेड़ों में रंग भरिए, तो ये दो पेड़ है ना, तो दो ही में रंग भरना है, बच्चे ने देखो तीन में रंग भर दिया है, तो ये तीन में आपको कलर नहीं करना है, आपको दो पेड़ में कलर करना है, ठीक है। अब इसमें दिया है किन्नी तीन नाव में रंग भरिए, किन्नी तीन नाव में रंग भरना है, बच्चे ने चार में चार का कर दिया है, एक दो तीन, तीन तीन नाव में ही रंग भरना है आपका, ठीक है। और ये देखिए छः के आंकड़े हैं, ये आपके छः के आंकड़े हैं आपका,
अब इसमें कितने लोग हैं देखिए आपका, 1 2 3 4 5 6 6 है ना, और ये 6 आंकड़े हैं, आदमी और औरत मिला के कितने हैं यहाँ पे, 6, 2 औरतें हैं और 4 2 बच्चे और 2 आदमी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आंकड़े आपको लिखना है शब्दों में, यहाँ शब्दों में और यहाँ अंकों में, ठीक है। हाँ अब इधर देखिए कितने आदमी हैं, 1 2 3 4 मतलब 4 आदमी और 2 औरतें, ठीक है, और ये 6 हुए, 6 के आंकड़े आपको लिखना है, घोटना है, ठीक है। अब इधर देखिए तरबूज, 1 2 3 4 5 6 तरबूज भी आपका 6 है। ये सब आपको गिनती गिनने का सरल तरीका अंकों और शब्दों में सीखने का अच्छा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 फ्लावर भी है और आपको इस खाने में भी 6 6 6 भरना है, ठीक है। और ये कितना है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 कितने बटरफ्लाई हैं यहाँ पे, यानी कि तितली कहते हो ना, हाँ तो 6 7 बटरफ्लाई है, यहाँ 7 अंक लिखा है और 7 शब्दों में भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। और आप देखिए ये क्या है, सेब, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें फल कितने लगे हुए हैं, 7 सेब वाला फल कितना है झाड़ में, पेड़ में 7 है, ठीक है। अब इधर देखिए ये बटरफ्लाई, 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 और ये फ्लावर भी 7 है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, ये 7 हुआ और 1 2 3 4 5 6 7 7 सेब है आपका। एप्पल भी कितना है, 7 है, जिसमें 7 7 7 7 भरना है आपको, ठीक है बच्चों। ये हुई आपके 7 के आंकड़े। अब आइए 8 के आंकड़ों में आते हैं, 8 के आंकड़े ये देखो कितना लिखा है, 8 बनाया हुआ है, 8 यानी 8, 8 शब्दों में भी लिखा है और अंकों में भी 8 लिखा है। अब इधर देखिए टीचर कितने बच्चों को पढ़ा रही है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बच्चों को टीचर पढ़ा रही है, 8 बच्चे को, ठीक है। और बोर्ड पे क्या टीचर समझा रही है देखिए, एप्पल बनाई हुई है, हाँ ठीक है बच्चों। ये हुए आपके 8 आंकड़े। इधर देखिए ये बैग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सही सही है, आपको ये गिनना है और समझना और पढ़ना लिखना भी है, ठीक है। 8 8 8 मतलब हर वस्तु 8 है, इसके साइड में आपको 8 लिखना है, जैसे पेड़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लिखा हुआ है। किताबें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ भी किताब भी बुक्स भी उसके 8 हैं, तो इस खाने में आपको 8 8 8 8 8 भरना है, ठीक है बच्चों। अब आइए आप 9 के आंकड़े देखिए, 9 के आंकड़े कैसे देखेंगे आप, देखिए यहाँ लिखा है ना, यहाँ 9 बनाया गया है, यहाँ 9 लिखा गया है, 9 और यहाँ शब्दों में और यहाँ अंकों में, ठीक है। और कितने आदमी है यहाँ पंचायत कर रहे हैं, पेड़ के नीचे चबूतरे पे कितने आदमी बैठे हुए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने आदमी हैं, 9 और घर यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने घर हैं, 9 यहाँ एक छोटा सा भी है, ठीक है। ये हुए आपके 9 के आंकड़े। इधर भी ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आदमी हुए और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चिड़िया हुआ और ये घर भी 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कितने घर हुए बच्चों, 9 9 घर में, ये 9 9 9 इस खाने में आपको खाने में 9 9 भरना है, ठीक है। अब आप आइए देखिए
गिनिए और मिलाइए, ये आपको आंकड़े गिनना और मिलाना है। कितने केले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 केला है। तो आप भाई इसमें 9 की मैचिंग करनी है आपको, तो यहाँ करेंगे 9 केले से, और यहाँ से मैचिंग करनी है, ठीक है। चॉकलेट कितने हैं आपके? ये देखिए चॉकलेट 1 2 3 4 5 6 7, तो आप ये 7 ढूंढिए कहाँ पे है, तो 7 और 7 से मैचिंग करना है। ये रहा 7, 7 चॉकलेट है, 7 से आपको मैचिंग करना है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं? 8 हैं। तो आपको इसको 8 से कैसे मैचिंग करना है, देखिए इधर 8 से 8 का मैचिंग करना है, ठीक है। घर कितने हैं? 6, तो आपको 1 2 3 4 5 6, 6 घर है ना, कितने सुंदर सुंदर घर हैं, ठीक है। तो आपको 6 है ना, तो 6 जहाँ पे है यहाँ है, 6 और 6 को ढूंढ के ऐसे मैचिंग करना है। 6 घर है तो 6 आंकड़े आपको ढूंढना है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मिलाना है, ठीक है। ओके बच्चों, समूह बनाइए। यहाँ पे देखिए 6 पत्तियों का समूह बनाना है, तो इसमें 6 ही पत्ती है, तो 6 के 6 का ही समूह बन गया, 1 2 3 4 5 6, 6 के समूह बनाना है आपका। और इधर देखिए 7 गिलास है, तो इधर 7 गिलास का समूह बनाना है, गिलास तो 8 है पन एक छोड़ दीजिए, ऐसा ऐसा करके 1 7 का समूह बना दीजिए, ठीक है। 8 आलू है, 8 आलू पे आपको समूह बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आलू पे समूह बनाना है, 2 आलू छोड़ देना है। अब इधर देखिए क्या करना है आपका, 9 चींटियाँ हैं, तो 9 चींटियों में आपको समूह बनाना है, कैसे बनाना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 चींटियाँ पे समूह बनाना है और बाकी छोड़ देना है। देखिए चित्रों के साथ मिलाइए, चित्रों के यहाँ क्या लिखा गया है, चित्रों के साथ मिलाइए, ये चित्र है ना, ऐसा है जैसे ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, जैसे आपका ये चित्र है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का चित्र चित्र के साथ में मिलाना है, 7 चित्र जहाँ पे है उसको आपको खोज के मिलाना ही होगा, ठीक है। हाँ 7 वाले चित्र मिलाना है, 2 वाले चित्र मिलाने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बेलन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बेलन भी आपका 9 है, और ये हाँ आप ये देखिए पहला देखिए पत्ती 1 2 3 4 5 6 7, अब आप 7 ढूंढिए, 7 कौन सा चित्र 7 है, हाँ उससे आपको मिलाना होगा, हाँ 7 7 आंकड़े कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ हैं, देखिए 7 के आंकड़े यहाँ हैं, तो इसका लाके कितने भी दूर होगी पत्ती, आप इतनी ही दूर पत्ती है तो इसको यहाँ से यहाँ घुमा के लाके 7 में आपको मैचिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 है ना, 4 चिड़िया है ना, तो 4 कहाँ पे लिखा हुआ है, वो 4 यहाँ लिखा है, 4 चिड़िया, तो इसे घुमा के 4 4 चिड़िया, 4 चिड़िया इधर है, ओके थैंक यू।